देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ओके भाई, क्या यार इन लोगों को चैन नहीं पड़ता, पूरी रात इनको बातें करनी। हाँ भाई, क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, ऐसे ही बस। ऐसे कैसे कुछ नहीं, कुछ तो होना चाहिए ना। कुछ क्यों होना चाहिए? आई मीन टू से कि प्राची और तेरे बीच में कुछ होना चाहिए ना यार। यहाँ क्या कर रहा है? बी अराउंड, थोड़ा आसपास रहे उसके। अरे वाह, क्या बात है, बड़ी ओरिजिनल एडवाइस है। पता है मुझे, जा रहा हूँ उसी के आसपास ही रहूंगा अभी। देख ओके यार, ऐसा लग रहा है मुझे चश्मा लगने वाला है यार। वेरी स्मार्ट। हाँ लग रही है यार, क्या कर रहा है? ऑफ कोर्स तेरे पेट में जानबूझ के मार रहा हूँ, तेरा पेट बाहर आ रहा है। ओए हाँ, कल से हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, तेरी बॉक्सिंग स्टार्ट है कल से। बॉक्सिंग? हाँ बॉक्सिंग। लड़कियों की तरह तेरी बातों में बहुत पावर आ रही है, लेकिन बॉडी बॉडी में पावर नहीं है। कल से पावर ट्रेनिंग। और हाँ, जहां तक तेरे सवाल का जवाब है, पता है मुझे क्या करना है। सी यू। दलजीते, फंक्शन तो अंदर चल रहा है, ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे लगता है प्राची अपनी प्रिया का वेट कर रही है। तूने क्या लगाया मेरे? इन दोनों की प्रिया तो अंदर है। दोनों की प्रिया? शाहना का प्रिया कौन है? वाह, ये तो ऐसी बात हो गई ना कि शाहरुख खान अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहा है और तू पूछ रही है कि फिल्म का हीरो कौन। अरे वेंडी, अरे रुक तो। What's up, प्राची? अभी नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। अच्छा, क्या बिजी हो तुम, क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा है, मेरे हाथ में मेहंदी लगी। तो हाथ मेहंदी लगी हुई है ना, लगवा थोड़ी रही हो बैठ के, बिजी कैसे हो? मेहंदी सुखाने में बिजी हूँ। सुखा रही हो? मुंह से सुखा रही हो तुम? हाँ मार के जाओ ना, ऐसे मुझे बात नहीं करनी, मैं बहुत बिजी हूँ, जाओ। बाय बाय रणबीर, गो। बाय बाय रणबीर, इधर आओ जरा। क्या तुमने, तो दूर रखो प्राची से, तुम प्राची के साथ रहती हो, तुम्हारे सामने मुझे ज्यादा एटीट्यूड दिखाती है। इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा ही कसूर है, तुम उसको अपने जैसा बना रही हो, ढंग से बात नहीं करती मुझसे। मैं तुमसे बहुत अच्छे से बात करती हूँ, तो कहाँ बनाया उसे अपने जैसा? तुम दोनों की डिलीवरी आ रही है क्या? क्या ऐसे घूर क्यों रहे हो दरवाजे को? व्हाट हैपेंड, क्या हो रहा है? नहीं, वो चाची आने वाली है। कौन सी चाची आने वाली है? है हमारी एक फ्रेंड की चाची। कौन है, नाम होगा ना चाची का कुछ? नाम नहीं पता है, पर हाँ काम पता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है? चाची इम्पोर्टेंट है, चाची का काम इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट? दोनों। चाची कौन है जिसको मैं नहीं जानता? अरे एक बहुत दूर की चाची है जिनको तुम नहीं जानते, वो वेंडी दादी है ना। हाँ? वेंडी दादी की बेटी की ननद की चाची। ओके, वेंडी दादी की बेटी की ननद की चाची, वाकई में बहुत दूर के हैं। कुरियर वाला बंदा आया, आता तो मैं ऐसे वेट करती। मेरा फोन। हाँ तो बात करना, मेहंदी रखी है ना, एक काम कर, उठा और मेरे कानों पे लगा। हेलो हेलो प्राची बेटा। जी कौन? हाय, मैं चाची जी बोल रही हूँ। चाची? कौन चाची? अरे चाची वेंडी की बेटी की ननद की चाची। एक सेकंड, वेंडी दादी की बेटी की ननद, सॉरी मैं समझी नहीं। एक काम करो, तुम सबको नमस्ते करके यहाँ जाओ। मैं तुम्हारे घर आई हूँ, जल्दी आओ ना। कहाँ पर है आप? मैं तुम्हारे दिल में। क्या? मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। ओके ओके, मैं आती हूँ। हाँ जल्दी आओ जल्दी आओ, यहाँ पे ना एक कुत्ता है जो भौंकने वाला है, मेरे को खून कूद के देख रहा। ओके ओके, मैं आती हूँ। ओके कुरियर है? मुझे रिया कोहली से मिलना है, ये उनका कुरियर। हाँ ला, मुझे दे दो कुरियर। रिया के नाम का है। हेलो। हाँ चाची जी, कहाँ पर है आप? हाँ बेटा, मैं दरवाजे के पास खड़ी हूँ, जल्दी आओ। ओके ओके, जस्ट आ रही हूँ, बस एक सेकंड, अभी आई। मेहंदी खुशबू तो बहुत अच्छी है। वैसे आपने नाम क्या बताया अपना? मासी। मासी नहीं, चाची। और वैसे भी मैं नाम पूछ रही हूँ, रिश्ता नहीं। माँ बाप ने कोई नाम तो रखा होगा ना, या वो भी चाची करके बुलाते थे? बेटी नाम तो वही है जो बताया था। कहाँ बताया था? नहीं बताया था, और बताया भी होगा तो मैं भूल गई। आपको तो याद होगा ना, आप बताइए। पिता का नाम थोड़ी भूलूंगी, रोज अपना नाम लिखती लिखता। मेरा नाम है ना, मेरा नाम है लेखा आंटी, लेखा मासी। अच्छा लेखा चाची। ओ
सॉरी आई मीन सॉरी देखो देखो तुम्हें 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 गुस्सा आएगा, तुम्हें सुनाने का मन करेगा, तुम्हें सुनाओगी, तुम्हें गर्दन सीधी करनी पड़ेगी, गर्दन सीधी करके क्या होगा, फोन कट जाएगा। तुम गर्दन टेढ़ी कर कर के दर्द कर रही है मेरी। ओके ओके मैं हूं ना, मेरे को नाइस कुछ मसाज चाहिए तुमको। मुझे गिनी चुहारिया या क्या हो गया हरिया? ये क्या था? अरे डॉक्टर ने कहा था ना कि स्ट्रेस मत लेना, इसीलिए। डॉक्टर ने कहा था स्ट्रेस मत देना? नहीं नहीं डॉक्टर ने मुझे कहा था कि स्ट्रेस मत लेना। स्ट्रेस का तो पता नहीं, एस का पता है। तुम्हें पता है इसमें ना कहीं एस छुपा हुआ है। एस 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 इसमें क्या किया तुमने? यहाँ पे जहाँ पे एस था ना, अब वहाँ पे पूरा का पूरा मैं रहूंगा। मतलब मेरे हाथों में मेहंदी लग गई, मैं धो के आता हूँ ना, मेरे हाथों पे रंग चढ़ जाएगा। मेरा फोन है तुम्हारे पास, रुको। लेकिन इन्होंने कहा कि ये रिया है। मैंने कब कहा कि मैं रिया हूँ? मैंने कहा कि कुरियर मुझे दे दो, ज्यादा स्मार्ट मत बनो तुम। लेकिन कुरियर रिया के नाम का है, तो तुम्हें रिया को बुलाना चाहिए था। वो मैं काफी देर से रिया को ढूंढ रही हूँ, वो कहीं दिख ही नहीं रही है। तुम पूछ लगा कुरियर आया और किसी को तो लेना ही है। जस्ट लीव इट नाउ, अब मुझे दे दो, मैं रिया की मदर इन लॉ। तुम्हारी मेहंदी बिगाड़ी नहीं है मैंने, तुम्हारी मेहंदी सवारी है, मैंने और सुंदर करी है। इससे पहले से तुम्हारे हाथ में मेहंदी थी, लेकिन मैंने छुआ ना तो तुम्हारे हाथ पे ये मेहंदी का कलर आ गया। अब हम दोनों क्या चुप क्यों हो गए? हम दोनों क्या क्या बोलने वाले थे, बोलो। तुम्हारे हाथ पे जो मेहंदी लगी है ना, उसका रंग मेरे हाथ लगाने के बाद और बढ़ गया है। और अगर तुम्हें बाय चांस ये लग रहा है कि मेहंदी पे किसी और का नाम लिखा है, तो तुम गलत हो। ये मेहंदी मेरे नाम की है। तुम्हारी उंगली में मेरे नाम की रिंग है। तुम पूरी की पूरी मेरी हो। मेरा जान कैसा है ये बंधन, बोले तड़पन लागी। क्यों कर रही है? तुम्हें नहीं पता क्यों कर रहा हूँ? मेरे दिल की धड़कन कुछ महसूस नहीं होता तुम्हें? तेरी बहुत होता है कई बार, पर हर बार तुमने मुझे गलत साबित किया है। इसलिए इस बार जो कुछ भी है साफ साफ बोलो। चाहिए यारा मुझे तेरा सहारा, तेरी हूँ कसम, वादा हूँ तेरा, खुद से भी बहुत मैं ज्यादा हूँ तेरा, ज्यादा देख करा था। जाना? क्या हुआ? तुम ठीक हो? What happened? राजीव, अरे आराम से, क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ हुआ है क्या? अब शाहना को ना मुझसे शायद कुछ बात करनी है, तुम जाओ प्लीज। अरे तो तुमसे बात करनी है तो मेरे सामने कर लेना। क्या हो गया? तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? आई ओके? एग्जैक्टली, देखो उसकी हालत कैसी है, हो सकता है तुम्हारे सामने कंफर्टेबल ना हो, है ना? तुम जाओ, हम बाद में बात करेंगे। गो प्लीज। ठीक है, ओके, ध्यान रखो। क्या हुआ?
चाची तेरे चेहरे का रंग ऐसे क्यों उड़ा है? तू बोल पहले क्या हुआ? वो कुरियर वाला आया और उसने कुरियर दिया और कुरियर ना मेरे हाथ में आते आते रह गया। पल्लवी आंटी आई, वो कुरियर लेके चली गई। फिर पल्लवी आंटी ने जाके जिया को वो कुरियर दे दिया तो वो उसके हाथ में चला जाएगा। हमें पता ही नहीं लग पाएगा कि उस कुरियर में है क्या, ऐसा क्या है उस रिपोर्ट में। कुछ करते हैं हम, कुछ सोचते, कुछ सोचना पड़ेगा। मैं काम करती हूँ, मैं ना जाके देखती हूँ, मैं कुछ आइडिया आएगा मेरे दिमाग में। मैं भी चल। हाँ आ जा। रिया क्या हुआ? कुरियर बॉय आया था, उसने रिपोर्ट दे दी। किसको दे दी उसने रिपोर्ट? कह रहा था कि उसने मेरी मदर इन लॉ को दी है, मतलब मॉम को दिया है। गॉड। अरे पल्लवी, हाँ विक्रम कहाँ है? एक्चुअली मेरे हस्बैंड को कुछ इम्पोर्टेंट काम था उनसे। आई डोंट नो, यहीं कहीं होंगे आई एम श्योर। मम्मी जी एक मिनट प्लीज। बोलो। अब मम्मी जी प्लीज, ये कुरियर आप रख देंगी वहाँ स्टडी रूम में? मैं भूल जाऊंगी, यहाँ वहाँ रख दूंगी, आप प्लीज इफ यू डोंट माइंड। पल्लवी किसी और को बोल दो ना, वो रख देगा ना। प्लीज मम्मी जी रख दीजिए ना। अच्छा ठीक है, रख देती हूँ। थैंक्स। चल। सॉरी क्या कह रही थी आप? क्या कर रही हो तुम, देख के नहीं चल सकती? ये मैं तो देख कर चल रही हूँ, लेकिन आप कहाँ देख कर चल रही है? मुझे लगा तुम्हें सिर्फ मुझसे प्रॉब्लम है, तुम तो सबसे ऐसे ही बात करती हो। क्या कहा मैंने? कहने से पहले तुमने हरकत की, तुम्हारी वजह से इनवेलप नीचे गिरा। अब कर क्या रही हो? उठाओ और जाके स्टडी में रख के आओ। उठाओ इनवेलप। मैं क्यों उठाऊं इसे और मैं क्यों रख कर आऊं? ये तुम्हारी पनिशमेंट है, गलती की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। टाइम नहीं है मेरे पास, आपको जरूर दिखाती। ऐसा उल्लू बनाया, उनकी सजा हमारी मजा। चल चल देखते चल चल, चल। hey, बेटा ये जाके स्टडी रूम में रख दो। ओके Just give me a minute. हाँ, sorry, excuse me. मेरे नाम का कोई कुरियर आया था क्या? हाँ वो मैंने अभी अभी दिया है, मम्मी जी को कहा था स्टडी रूम में रखने के लिए। अच्छा अच्छा किया, थैंक यू। रिया ऐसा क्या है उस कुरियर में, हर कोई उसी के बारे में पूछ रहा है। तुझे पता है यहाँ कोई भी तुझे पसंद नहीं करता, फिर भी बेशर्मी की पराकाष्ठा है तू। पता नहीं मेरी किस्मत खराब है या मेरी किस्मत में बुरे लोग लिखे हैं। सब कुछ अच्छा जा रहा होता है पर एंड मोमेंट में सब बिगड़ता है। पहले वो शाना थी, उसके बाद दीदा और अभी वेंडी दादी टपक गई है कि नखरे तो नेक्स्ट लेवल होते हैं, शुरू हो जाएंगे। कैसा लगा जूस? ये भी कोई जूस है? जूस तो वो होता था, तुझे याद है हम पेड़ों से फल तोड़कर अपने हाथों से जूस बनाते थे, वो जूस होता था। इसीलिए कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत का जूस मीठा होता है। अरे आप दोनों ना हंसते हुए बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी बता दीजिए जो क्या है। हम मीठी जूस की बात कर रहे थे, अब ये तेरी मीठी वाणी सुनकर मीठा जूस भी फीका हो गया। अच्छा क्या खा कर आई है, तेरे मुंह से शहद टपक रहा है, संभाल के कपड़ों पर मत गिराना खराब हो जाएंगे। दीदा योर फ्रेंड इज वेरी 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 फनी। काश हम भी तुम्हारे बारे में बोल सकते। खैर छोड़ो, ये बताओ क्या काम था? आलिया बूजी को बोलती हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा बटरिंग तो मुझसे नहीं होगी इन ओल्डीज से। बूजी कहाँ चली हमारी शुगर फैक्ट्री? वो रिपोर्ट मॉम ने रिसीव कर ली थी और दीदा को दे दी, अब जाके उनसे मांगिए ना। मैं नहीं मांग सकती, उनके साथ वो वेंडी दादी एंड आई जस्ट हेट हर।
चाहिए। वो रिपोर्ट तो उन्होंने मुझे दी थी रखने के लिए, उन्हें पता ही नहीं होगा शायद उसमें तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। थैंक गॉड मुझे, थैंक गॉड आपने वो रिपोर्ट रख ली, नाउ वी सेफ। नहीं पर वो एनवेलप मेरे पास नहीं है, वो एनवेलप मैंने बेटा को दी थी। क्या करती हैं आप रिपोर्ट नहीं रख सकती थी क्या? मुझे नहीं पता था कि उसमें रिपोर्ट है, और तो क्या हुआ तब नहीं रखा तो अब रख लेंगे। मैंने देखा था वो वेटर ने वो एनवेलप ट्रे पे रखी थी, यहीं कहीं होगा। सुना तूने वो वेटर की ट्रे में एनवेलप? चल चल के वेटर को ढूंढते, चल के वो वेटर को ढूंढते। चलो मुझे अंदर से कुछ हो रहा है। क्या हुआ? पेट खराब हो गया क्या? पेट खराब होगा तो आपके पास थोड़ी आऊंगा यार। मुझे anyway, मुझे लग रहा है कि मैं नहीं चाहता कि प्राची की शादी सिट से हो। I don't want that. What? Are you sure? सोच ले पापा। पापा दिल का मामला है, दिमाग का इस्तेमाल थोड़ी करूंगा। अरे तो फिर मुझे क्यों बता रहा है यार, जो तेरे दिल में है उसको जाके बोल देना। ये देख वही है वो, इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है वो तुझे ढूंढ रही है। पापा मुझे तो लग रहा है मारने के लिए ढूंढ रही है। अरे नहीं यार, जस्ट गो फॉर इट। हम जाऊं क्या? ऑफ कोर्स। पक्का? पक्का। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नहीं कुछ नहीं, जाइए वहां सर्व करिए। ये हो क्या रहा है? तुम्हें पता है कि रणबीर क्या करने वाला? क्या करने वाला? रणबीर प्राची से कहने वाला है कि वो सिट से शादी ना करे। क्या बात कर रहे हो सच्ची? ये तो बहुत ही अच्छी बात है यार। अभी ना मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, वरना मैं तुम्हारे साथ पक्का डांस कर लेती। क्या ढूंढ रही हो? अब नहीं नहीं कुछ नहीं। तूने कांधे पे सर झुकाया जब, जैसे दरगाह पे बांधे धागे तब, लगता है कुछ दिनों से अब तू इबादत है, तू ही है मज़हब। बेवजह कैसे, क्यों, कहां और कब? मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ रब, मेहरबान। Thank you.
एक काम करती हूँ, मैं पहले दरवाजा बंद कर देती हूँ। हाँ, ये एनवलप तो बंद था और इसे मैंने ही खोला था और इसमें कुछ था, कुछ भी नहीं है इसमें।